अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताउला खोसे और मैं वो राजनीत खोसे से रहने वाला ताल्लुक रखने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर से। आईडीएसपी की तरफ से जो मदद मिलने से पहले हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे कि इसमें हमें कर्जा लेना पड़ता था सूद पे, और इसके अलावा दूसरे भी चीज़ें थे। हम कमज़ोर थे, लेकिन आईडीएसपी वालों से मिलने के बाद हमने वो ताकत आ गई। ये आईडीएसपी वालों का बहुत बड़ा कोशिश है, जो उन्होंने कितना कोशिश किया पता नहीं, ये कहाँ से आए, कैसे आए, इन्होंने कितनी मुश्किलात काटे, इन्होंने अपने लिए मेंटोर ढूंढे, ये उनका बहुत बड़ा कोशिश था। उन मेंटोर के ज़रिए वो हमारे पास आए, उन मेंटोर के ज़रिए हम आईडीएसपी का जुड़े। आईडीएसपी की तरफ से जो हमें रकम दिया गया 48,000 सचिन से, हमने सूरजमुखी का बीज लिया और सूरजमुखी का अलहमदिल्ला फसल अच्छा गया और मेरा तकरीबन 18 मन हुआ। 18 मन में से, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, मतलब किसी के अंडर हूँ, तो हारी या अंडर हूँ किसी, वो आधा मेरा ज़मींदार ले गया, आधा मुझे मिला। आधा में से मैंने 20 किलो बैंक के लिए जमा करवाया और 20 किलो आंजा के फसल के लिए जमा करवाया, मतलब रख दिया अपने पास। 1,60,000 मेरा टोटल आमदनी हुआ उसमें से, क्योंकि हम पहले बयान कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा कर्जा ही था, कर्जे में था, तो वो कर्जा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आईडीएसपी की जो मदद मिलने के बाद वो भी मैंने दे दिया। अपने लिए जंगम भी मैंने खरीद के रखा और दूसरे घरेलू अखराजात भी मेरे मुकम्मल हो गए वो आईडीएसपी की मदद के बाद। तासरात आईडीएसपी के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह इसको और आगे बढ़ाए। और तजावीज़ में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आईडीएसपी जो काम कर रहा है बेहतरीन कर रहा है, लेकिन वो अपने काम को और आगे बढ़ाए तो और अच्छा है। जैसे कि हमारे बहुत से किसान हैं जो कि दूसरे ज़मींदार लैंड लॉर्ड्स के नीचे हैं, आईडीएसपी एक ऐसा सोच लाए कि उन ज़मींदार को जो सहारे हैं, किसान हैं, उनको उनके अंदर से निकालें। मिसाल तौर पर कोई ऐसा वो सिस्टम बनाए कि उनको गाय खरीद के दे दें, उनके पास ज़्यादा गाय हो जाएंगे तो वो किसी फसल का मोहताज नहीं रहेंगे, उनका मतलब ज़रिया आमदनी अलग हो जाएगा, वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, ना उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी का प्रेशर आएगा,